दुग्गल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, हम हिंदुस्तान को एक कोने से दूसरे कोने पे जोड़ रहे हैं और हमारे जो मंत्री जी हैं आदरणीय गडकरी जी, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं इसमें नेशनल हाईवेज में। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक अगर हम एक एनएच बनाते हैं जिसको वाया सिरसा की तरफ से, तो इसमें आप ये देखें कि तीन राज्य जो है इसमें कवर होते हैं, एक पंजाब है, हरियाणा है और इसके साथ साथ राजस्थान है। और हमारे जो राजस्थान के सांसद महोदय हैं, ये भी मुझे लगता है कि मुझे एसोसिएट करेंगे इससे, हमारे जो हैं चूरू के जो हमारे हैं और साथ साथ गंगानगर के हमारे सांसद हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये एक नम्र निवेदन है हमारे मंत्री जी से कि अगर सरदूलगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक वाया सिरसा अगर एनएच बन जाती है तो इसमें तीन तीन राज्यों को बहुत बहुत लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनायक राव राउत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। लेकिन दुख इस बात का है कि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस तरह से अवमान किया जा रहा है, उस विषय के ऊपर इतने विलंब से हमें बात रखने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, सभापति महोदय धन्यवाद तो दिया आपको, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के एक आदर्श है, पूरे देश के सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि संविधान के माध्यम से जो पद निर्माण हुए, उस पद के ऊपर जो सम्माननीय महनीय व्यक्ति बैठे हैं, इनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान बार बार किया जा रहा है। श्री कैसे के जी, जय शिवराय अध्यक्ष महोदय।